नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन आप सबका स्वागत करता हूँ हमारे इस स्पेशल वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगले यानी कि जनवरी महीने में होने वाले क्रिकेट मैचेस के बारे में। या दोस्तों, जनवरी में होने वाले सभी नेशनल और इंटरनेशनल मैचेस की जानकारी, मेंस और वुमेन्स टीम के मैचेस की जानकारी और अंत में T20 लीग्स और डोमेस्टिक मैचेस की जानकारी, ये सब जानने को मिलेगा आपको इसी वीडियो में। तो बस आप देखते रहिए इस वीडियो को पूरे अंत तक। सबसे पहले शुरुआत करते हैं बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी से, जिसके बचे हुए दोनों मैचेस यानी तीसरा टेस्ट 7 से 11 जनवरी तक सिडनी में और 15 से 19 जनवरी तक चौथा और अंतिम टेस्ट ब्रिस्बेन में खेला जाएगा। दोस्तों, दिसंबर महीने में दो टेस्ट मैच खेले जा चुके हैं, जिसमें से पहला मैच ऑस्ट्रेलियन टीम ने शानदार गेंदबाजी से अपने नाम किया था, तो वही बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच में भारतीय टीम ने पलटवार करते हुए मैच को अपने नाम किया। तो इस प्रकार सीरीज ने अब एक रोमांचक मोड़ ले लिया है और अब कुछ ही दिनों में पता चल जाएगा कि आखिर बाजी कौन मार पाता है। और हाँ, आपको बता दूं कि तीसरा टेस्ट मैच पिंक टेस्ट होने वाला है और ऐसा कहा जा रहा है कि इस मैच को देखने के लिए 50% क्राउड भी अलाउ किया गया है। तो अब तैयार हो जाइए SCG को पिंक रंग में रंगा हुआ देखने के लिए। हालांकि दोस्तों, इस पर और पूरे ऑस्ट्रेलियन टूर पर हम पहले ही एक वीडियो बना चुके हैं, जो अगर आपने अब तक नहीं देखा तो जाके वो भी देख लीजिए। अब बात करते हैं श्रीलंका और साउथ अफ्रीका के बीच चल रही टेस्ट सीरीज के बारे में। तो दो मैच की सीरीज में अफ्रीकन टीम 1-0 से आगे है और अब दूसरा टेस्ट मैच 3 से 7 जनवरी तक जोहानिसबर्ग में खेला जाएगा। आगे बात करते हैं पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच चल रही सीरीज के बारे में। तो T20 में 2-1 से न्यूजीलैंड ने सीरीज जीत ली, जिसके बाद अब टेस्ट सीरीज चल रही है और पहला टेस्ट मैच न्यूजीलैंड की टीम ने जीत लिया है और अब दूसरा और अंतिम टेस्ट 3 से 7 जनवरी तक क्राइस्टचर्च में खेला जाएगा। और आपको बता दूं कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच चल रही सीरीज के ऊपर भी हमने पहले ही एक डिटेल्ड वीडियो बना चुके हैं, तो ज्यादा जानकारी के लिए उसे भी देख लीजिए। तो अभी चल रही तीनों टेस्ट सीरीज यानी इंडिया ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका अफ्रीका और पाकिस्तान न्यूजीलैंड, इस पर आपका क्या मानना है, क्या होगा रिजल्ट, प्रेडिक्ट करके बता दीजिए नीचे कमेंट सेक्शन में। और सभी मैचेस की ब्रॉडकास्टिंग चैनल की जानकारी भी आपको नीचे कमेंट सेक्शन में जानने को मिल जाएगी, तो कमेंट चेक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो दोस्तों, ये तो बात हो गई अभी चल रही सभी सीरीज के बारे में। अब बात करते हैं जनवरी में शुरू होने वाले सीरीज के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं इंग्लैंड और श्रीलंका की। तो इंग्लैंड की टीम श्रीलंका के दौरे पर दो टेस्ट मैच की सीरीज खेलने के लिए आने वाली है, जिसमें पहला टेस्ट 14 से 18 जनवरी तक तो वही दूसरा टेस्ट 22 से 26 जनवरी तक खेला जाएगा और दोनों ही टेस्ट मैच गाले में खेले जाएंगे। दोनों टेस्ट मैच के टाइमिंग के बारे में बात करें तो भारत और श्रीलंका दोनों देश में ये दोनों ही टेस्ट मैच सुबह 10 बजे से शुरू हो गए। अब बात करते हैं अफगानिस्तान और आयरलैंड की टीम की। तो ये दोनों ही टीम UAE में 3 वनडे मैचेस की सीरीज खेलने के लिए इकट्ठा होगी, जिसमें से पहला वनडे मैच 18, दूसरा 21 और तीसरा ODI 23 जनवरी को खेला जाएगा और तीनों ही मैच अबू धाबी में खेले जाएंगे। और मैच टाइमिंग के बारे में बात करें तो सभी मैचेस भारतीय समय के मुताबिक सुबह 11:30 बजे से शुरू होंगे। अब बात करते हैं वेस्ट इंडीज टीम की, जो बांग्लादेश के टूर पर 3 वनडे और 2 टेस्ट मैच की सीरीज खेलने के लिए आने वाली है। और वनडे सीरीज की बात करें तो 20 जनवरी को पहला वनडे मैच ढाका में तो वही दूसरा वनडे मैच भी ढाका में 22 जनवरी को खेला जाएगा और तीसरा और अंतिम वनडे मैच 25 जनवरी को चट्टोग्राम में खेला जाएगा। तो इस प्रकार जनवरी में 3 वनडे मैचेस की सीरीज खत्म होगी और टेस्ट सीरीज फरवरी महीने में शुरू होगे, जिसके बारे में बात हम आगे आने वाले वीडियो में करेंगे, तो वो आपसे मिस ना हो जाए इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तभी वनडे मैचेस भारतीय समय के मुताबिक 12:30 बजे से शुरू होंगे और बात बांग्लादेश की करें तो बांग्लादेश के समय के मुताबिक ये मैच 2:00 PM से शुरू होंगे। अब बात करते हैं साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान के बीच खेले जाने वाली सीरीज की। तो अफ्रीकन टीम पाकिस्तान के टूर पर आने वाली है, जिसमें 2 टेस्ट और 3 T20 मैचेस खेले जाएंगे और पहला टेस्ट मैच 26 से 30 जनवरी तक कराची में खेला जाएगा और आगे आने वाले सभी मैचेस फरवरी में खेले जाएंगे। तो इस पर भी हम आगे आने वाले वीडियो में बात करेंगे। और अगर बात मैच
टाइमिंग की करें तो भारतीय समय के मुताबिक पहला टेस्ट मैच सुबह 10:30 बजे से शुरू होगा, वही पाकिस्तान में यह मैच सुबह 10 बजे से ही शुरू हो जाएगा। और अब बात करते हैं महिला क्रिकेट के बारे में, तो पाकिस्तान वुमेन्स टीम साउथ अफ्रीका के टूर पर जाने वाली है और वहाँ पर 3 वनडे और 3 T20 मैचेस की सीरीज खेली जाएगी, जिसमें से पहले दोनों ही वनडे मैच डरबन में खेले जाएंगे, जहां पे पहला मैच 20 और दूसरा मैच 22 जनवरी को खेला जाएगा और तीसरा और अंतिम वनडे मैच 26 जनवरी को पीटर मेरिट्सबर्ग में खेला जाएगा। इसके बाद आती है T20 सीरीज, तो 29 और 31 जनवरी को पहले दो T20 मैच भी पीटर मेरिट्सबर्ग में ही खेले जाएंगे और तीसरा और अंतिम T20 मैच वापस डरबन में 3 फरवरी को खेला जाएगा। बात अगर मैच टाइमिंग की करें तो पहले दोनों ही वनडे मैच भारतीय समय के मुताबिक 4:30 बजे से शुरू हो गए, वही पाकिस्तान में 4:00 बजे से ही शुरू हो जाएंगे और तीसरा वनडे मैच भारत में 12:30 बजे और पाकिस्तान में 1:00 बजे से शुरू होगा। इसके बाद T20 सीरीज की बात करें तो उसके भी पहले दोनों ही T20 मैच भारतीय समय के मुताबिक 5:30 बजे और पाकिस्तान में 5:00 बजे से शुरू हो गए और तीसरा T20 मैच भारतीय समय के मुताबिक 9:30 बजे और पाकिस्तान में 9:00 बजे से शुरू होगा। अब बात करते हैं भारतीय महिला टीम के बारे में, जो ऑस्ट्रेलिया के टूर पर जाने वाली है। जी हां दोस्तों, 3 वनडे मैचेस की सीरीज खेली जाएगी, जिसमें से पहला वनडे मैच 22 जनवरी को कैनबरा में, दूसरा ओडीआई 25 जनवरी को मेलबर्न में और तीसरा और अंतिम मैच 27 जनवरी को होबार्ट में खेला जाएगा। मैच टाइमिंग के बारे में बात करें तो सभी मैचेस भारतीय समय के मुताबिक सुबह 5:30 बजे से शुरू हो गए। और अब आगे बात करते हैं T20 लीग्स के बारे में, तो अभी चल रही बिग बैश लीग पूरे जनवरी महीने चलेगी। यह दोस्तों इसमें कुल मिलाकर 38 मैचेस इस महीने खेले जाएंगे। वही न्यूजीलैंड की T20 लीग यानी सुपर स्मैश भी पूरे महीने चलेगी और सुपर स्मैश के कुल मिलाकर इस महीने 20 मैचेस खेले जाएंगे। और अब अंत में बात करते हैं भारतीय डोमेस्टिक क्रिकेट मैचेस के बारे में, तो आखिरकार अब डोमेस्टिक मैचेस जनवरी महीने से शुरू हो गए। जिया दोस्तों, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जो 10 जनवरी से शुरू होने जा रही है और 31 जनवरी तक चलेगी, जिसमें कुल मिला के 102 मैचेस खेले जाएंगे। तो दोस्तों इस प्रकार 2021 का पहला ही महीना क्रिकेट से भरपूर होने वाला है और आपको लगातार क्रिकेटिंग एक्शन देखने को मिलेगा। सभी मैचेस को गिने तो इस 31 दिनों में कुल मिला के 7 टेस्ट मैच, 12 वनडे और 162 T20 मैचेस खेले जाएंगे। और इस वीडियो में दी गई जानकारी में से किसी में भी आगे जाके कोई भी बदलाव होता है तो वो नीचे कमेंट सेक्शन में अपडेट कर दिया जाएगा और साथ ही ब्रॉडकास्टिंग रिलेटेड जानकारी नीचे कमेंट सेक्शन में चेक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो बस दोस्तों यही था इस बार के खास वीडियो में, मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। क्रिकेट से जुड़े कुछ ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बहुत ही जल्द मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।